हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर का जो हार्डनेस होता है वो दो तरह का होता है, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोरेरी हार्डनेस। ओके, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोरेरी हार्डनेस। ये जो परमानेंट हार्डनेस होता है बच्चों, ये कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट के डिजॉल्व होने के कारण होता है। ओके, जब साल्ट में सॉरी जब वाटर में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे साल्ट डिजॉल्व होते हैं तो वाटर हमारा परमानेंट हार्ड हो जाता है। ओके, वाटर कैसा हो जाता है? परमानेंट हार्ड हो जाता है। और जब वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ओके डिजॉल्व होते हैं तो टेम्पोररी हार्डनेस आता है वाटर में। ठीक है, अच्छा परमानेंट हार्डनेस के लिए बहुत जरूरी नहीं कि सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी डिजॉल्व हो सकता है। ओके, यदि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला हुआ है साल्ट वाटर में तो वह परमानेंट हार्डनेस होता है। यदि वाटर में केवल बाइकार्बोनेट साल्ट डिजॉल्व है तो वह आपका टेम्पोररी हार्ड होगा। ठीक है, यदि बाइकार्बोनेट के साथ अन्य जैसे क्लोराइड और सल्फेट साल्ट भी डिजॉल्व है वाटर में तो वह परमानेंट हार्ड होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको दूर करने की हम विधि बताएंगे। ओके, हाउ टू रिमूव द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं। बता दूंगा तो हेडिंग लगाएंगे मेथड्स टू रिमूव टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, वाटर की टेम्पोरेरी हार्डनेस और अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बॉयलिंग, बाई बॉयलिंग। ठीक है, वाटर को सीधे क्या करेंगे? बॉयल कर देंगे। बॉयल करने से इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन जाता है, बाई कार्बोनेट जैसे CaHCO3 होल ट्वाइस। हीट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल है ना, प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस CO2 ये गैस बनकर उड़ जाता है, प्लस वाटर। ठीक है, यह इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल व्हाइट PPT। इसको फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट जो बचता है, ठीक है, वह हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। जब फिल्टर करोगे तो फिल्टर के ऊपर जो बच जाएगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और जो नीचे जैसे चाय छानते हैं, ठीक है ना, तो जो थर्मस में आता है, केतली में आता है, दैट इज योर सॉफ्ट वाटर,
और जो ऊपर रेजिड्यू बचता है दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेट। ओके, मैग्नीशियम यदि मान लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिजॉल्व है, उसको हीट करोगे सेम रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी CO3 बन जाता है प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये भी प्रेसिपिटेट ही होता है, उसको फिल्टर आउट कर लिया जाता है और हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाता है, ठीक। ये पहला मेथड है बाय बॉयलिंग, सिंपली जो है ना बॉयल करके हम टेम्पोरेरी हार्डनेस को दूर कर लेते हैं। ओके, मिटा दो इसको। अब दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड, ठीक है। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा टेम्पोरेरी हार्ड वाटर होता है उसमें हम स्लैकेड लाइम मिलाते हैं, क्या करते हैं स्लैकेड लाइम, इससे क्या होता है जो बाइकार्बोनेट होता है वह इनसॉल्युबल कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। इन क्लार्क्स मेथड वी एड स्लैकेड लाइम टू द टेम्पोररी हार्ड वाटर, इन डूइंग सो ओके बाई कार्बोनेट चेंजेस इंटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट विच कैन बी फिल्टर्ड आउट एंड वी कैन गेट सॉफ्ट वाटर। ओके, रिएक्शन देख लीजिए, सी ए एच सी ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस स्लैकेड लाइन सी ए ओ एच फोर ट्वाइस, सही है ना, मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका सी ए सी ओ थ्री प्लस तीन सी ए सी ओ थ्री होगा तो टू सी ए सी ओ थ्री होगा ना, दो कैल्शियम है प्लस एच टू ओ, और ये देख रहे हो व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, इसको छानेंगे हमारा पानी कैसा हो जाएगा साफ हो जाएगा। अब उसके साथ जो है सो बढ़िया से लेकर काम करेगा है ना, और हमारे कपड़े की तथा शरीर की सफाई हो जाती है। मान लीजिए कि इसमें जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व है, इसमें आपके हार्ड वाटर में, ठीक है, क्या बनेगा MgCO3 प्लस CaCO3, ओके, प्लस 2H2O, ओके, इसको हम छान करके अलग कर लेते हैं, हमारा वाटर जो होता है साफ हो जाता है। कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, आ रहा है समझ में, मिटा दूं, मिटा दिया जाए। अब है मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जल की जो अस्थाई कठोरता होती है उसको दूर करना, ठीक है।
आप लोगों को पता होगा कि जो है हमारा वाटर परमानेंट हार्ट कैसे होता है यदि वाटर में क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट में से कोई दो साल्ट डिजॉल्व हो या क्लोराइड साल्ट डिजॉल्व हो या केवल सल्फेट साल्ट डिजॉल्व हो तो वाटर जो है परमानेंट हार्ट हो जाता है। तो इसको सिंपलीफाई करने से हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो आइए उसी केमिकल ट्रीटमेंट में से पहला मेथड हम पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आप फार्मूला जानते होंगे, सोडियम कार्बोनेट, क्लास टेंथ में आप लोगों को पढ़ाया गया था वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ओके, एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में था। तो हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और उसमें वॉशिंग सोडा मिलाएंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा मिलाने से क्या होगा कि ये जो क्लोराइड है ये सॉल्युबल क्लोराइड में चल जाता है, मतलब क्या NaCl के रूप में चला आता है प्लस CaCO3। ये आपका प्रिसिपिटेट है, वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब हमारा जो हार्डनेस था वाटर का दूर हो गया, ठीक। मान लीजिए कि MgSO4 वाटर में डिजॉल्व है तो भी जो है वॉशिंग सोडा मिलाएंगे तो सॉल्युबल साल्ट Na2SO4 में चेंज हो जाएगा। सोडियम के जितने भी साल्ट होते हैं बच्चों वे सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सोडियम के जितने भी साल्ट होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। आप लोग जब लैब में चलोगे क्रिटिकल कराऊंगा तो आपको सोडियम का साल्ट तुरंत पानी में घोलोगे क्या होगा, आराम से घुल जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम का साल्ट दूंगा तो वो नहीं घुलेगा, जैसे कैल्शियम का सल्फेट दे दूंगा, कैल्शियम का क्लोराइड दे दूंगा, है ना, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। डिजॉल्व करने के लिए हीट करना पड़ेगा या तो एसिड में वो डिजॉल्व होगा, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड में, ठीक है। यहां पर ये सोडियम सल्फेट बन गया, उसके बाद क्या आ जाएगा MgCO3, ठीक है। इस तरह से हमारा परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है ना। ये था ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। मिटा दिया जाए। सेकेंड मेथड है कैलगंस मेथड। ओके, देखो कैलगंस मेथड में क्या करते हैं कि सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, इसको कहा जाता है कैलगन, इसको क्या कहते हैं कैलगन, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaPO3O6, ठीक है, NaPO3O6।
इसको इस तरह से भी लिखा जाता है Na2 Na4 PO3 4 6। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है। ये भी वही है सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कैलगन। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है, परमानेंट हार्ड वाटर होता है, उसमें हम कैलगन मिलाते हैं, मीन सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट मिलाते हैं। ठीक है, जब हम मिला करके इसको मिलाते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वे क्या बना लेते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स साल्ट, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेते हैं। जब सॉल्युबल हो गया तो वह इस मतलब इसकम नहीं बनाएगा, हार्डनेस दूर हो गया। ठीक है ना, चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं। रिएक्शन टू CaCl2 प्लस Na2 Na4 PO3 और 6। ठीक है, यही तो फार्मूला लिखा हूं, कुछ अलग नहीं लिखा हूं। अरे एक ब्रैकेट लगा दिया, चलो मिटा दे रहा हूं। दोनों में सोडियम का कम बेसी नहीं मिलेगा, नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन होगा तो बनेगा तुम्हारा Na2, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ओके, Ca2 PO3 होल 6। ओके, प्लस NaCl, टू NaCl होगा, फोर NaCl होगा। ठीक है, इधर देखो 6 Na है, 2 Na आ रहा है, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्लोरीन 4 था, 4 हो गया। ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल है। ठीक है, घुलनशील है। ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट मान लीजिए हो MgSO4 प्लस Na2 Na4 PO3 होल 6, क्या बन जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्लस 2 Na2 SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये दो मेथड थे जिनके द्वारा हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए दो मेथड आपको बतलाया, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए मैंने दो मेथड बतलाया। ठीक है ना,
अब मान लीजिए कि वाटर में परमानेंट और टेम्पोररी दोनों तरह का हार्डनेस हो, ठीक है, मतलब क्या बाइकार्बोनेट साल्ट भी डिजॉल्व हो और क्लोराइड था सल्फेट है ना साल्ट भी डिजॉल्व हो, उसको दूर करने के लिए अलग मेथड होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या था, स्पेसिफिक था है? क्लोराइड और सल्फेट डिजॉल्व होने के लिए दो मेथड हमने बताया, सोडियम कार्बोनेट मेथड, ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट या सोडा कास्टिक सोडा वाशिंग सोडा, और दूसरा कैलगंस मेथड, और जो टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के लिए मैंने बॉइलिंग बताया और क्लार्क्स मेथड, ठीक है। यदि दोनों तरह के साल्ट डिजॉल्व होंगे, बाइकार्बोनेट साल्ट भी डिजॉल्व होंगे, क्लोराइड और सल्फेट साल्ट भी डिजॉल्व है, तो उसको है ना, तो इसको दूर करने के लिए हमको स्पेसिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मेथड, तो उसको हम चर्चा करते हैं बेटा ने। तो कैलगन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, तो मेथड टू रिमूव परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर है, ऊपर लिख रहा हूं, परमानेंट एंड टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो इसमें पहला मेथड है बच्चों सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारा हार्ड वाटर होगा जिसमें परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस होगा, उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वाशिंग सोडा का और स्लैकेट लाइम का मिलाएंगे, ठीक है, वाशिंग सोडा और स्लैकेट लाइम मिला करके ट्रीटमेंट करेंगे और हमारा जो है ना हार्डनेस होगा वाटर का वो दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या मिलाएंगे, वाशिंग सोडा एंड स्लैकेट लाइम, ठीक। आइए कुछ रिएक्शंस होंगे, उन रिएक्शंस को मैं दिखाता हूं। इसमें क्या ऐड करते हैं, वी ऐड वाशिंग सोडा एंड, यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो भाई फार्मूला स्लैकेट लाइन का होता है सी ए ओ एच होल ट्वाइस, वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री, ठीक। देखिए यदि मान ली बाइकार्बोनेट का साल डिजॉल्व है तो सी ए ओ एच होल ट्वाइस मिलाने से क्या होगा, एम जी सी ओ थ्री बन जाएगा प्लस सी ए सी ओ थ्री बन जाएगा प्लस टू एच टू ओ बन जाएगा, ठीक है। अभी पिछले रिएक्शन में मैंने बतलाया था स्लैकेट लाइम वाला, yes, क्लार्क मेथड था, कौन सा मेथड था, क्लार्क मेथड है, अच्छा। उसके बाद मान लीजिए कि एम जी सी एल टू टीजा में तो कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं वाशिंग सोडा मिलाओगे, मिलाया हो यही रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा एम जी सी ओ थ्री बन जाएगा प्लस टू एन ए सी एल बन जाएगा। ऐसे मान लो सल्फेट घुला हुआ है तो भी जो है एन ए टू सी ओ थ्री जो वाशिंग सोडा इससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा सी ए सी ओ थ्री प्लस एन ए टू एस ओ फोर, ठीक है। तो सब सॉल्वर बन गया और ये सॉल्वर इन लोगों को छान करके हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, हमारा वाटर जो है एकदम साफ हो गया, इसमें से परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस दोनों दूर हो गए, ठीक है।
तो नोट कर लें, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ आचर्स होते हैं यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस बना देंगे, ठीक है। चलो वो भी रिएक्शन निकलने की बात देता हूं, MgOH CO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस, है ना, ये मिलाएंगे तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। प्लस CO टू बन जाएगा, दो CO2 है, हो गया। ये भी सॉल्युबल है, ये कैसा है, ये सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन रहा है, छान लेते हैं। तो कुछ साइंस, कुछ जो है ना केमिस्ट ये इसको प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि ये बनता है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि ये बनता है, ठीक, दोनों लिख लीजिए। तो पहला मेथड तो हो गया सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा स्टैंड पर वाशिंग सोडा, लाइम स्टैंड पर स्लैगर। अब ये मत कहना कि लाइम चूना मिला दिया CaO। तो दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड। तो वाटर में हार्डनेस क्यों आता है, उसमें कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, इस आयन के प्रेजेंस के कारण जो होता है हमारा वाटर हार्ड हो जाता है। हम क्या करते हैं कि इस आयन को हम, ये इनसॉल्युबल होता है, ये आयन कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, तो इस आयन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे आयन से, ठीक है, ऐसे आयन से इसको एक्सचेंज करते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों आयन को क्या करते हैं, इनसॉल्युबल आयन को सॉल्युबल आयन के द्वारा एक्सचेंज कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा हार्ड वाटर साफ में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दो तरह के आयन एक्सचेंज होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, परम्यूटेट, परम्यूटेट मिलाया जाता है, क्या मिलाते हैं, परम्यूटेट, तो परम्यूटेट का नाम परम्यूटेट मेथड इसका नाम भी लिया जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज को क्या कहते हैं, परम्यूटेट मेथड, ठीक है। इस मेथड को जियोलाइट मेथड भी कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, जियोलाइट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। जियोलाइट होता क्या है, जियोलाइट बच्चों सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को कहा जाता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्या कहते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है O4 होगा, NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ओके।
और इसके लिए हम जेट सब जेट जो लेटर यूज करते हैं। AlSiO4 के लिए क्या यूज करते हैं? जेट। ठीक है, तो इस पूरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन लिखवाऊंगा रिएक्शन, तो आप इतना बड़ा बड़ा फार्मूला थोड़ा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? NaZ लिखूंगा। NaZ NaAlSiO4 सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट या जियो लाइट। ठीक है, ये जो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करेगा। सीए आयन जो होगा सोडियम आयन के द्वारा एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे मैग्नीशियम आयन जो होगा वो भी सोडियम आयन के द्वारा एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो सोडियम आयन है ना जो होता है सॉल्युबल होता है। अरे वाशिंग सोडा मिला रहा था तो NaCl बना था कि नहीं बना था? NaCl जो सॉल्युबल होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, वाटर का हार्डनेस दूर हो जाता है। ओके, तो रिएक्शन है 2NaZ प्लस Mg डबल पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा? MgZ2 प्लस 2Na। ठीक है, देखो मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज हो गया, सोडियम आयन एक्सचेंज हो गया, आयन का एक्सचेंज हुआ है। ऐसे ही कैल्शियम आयन को भी एक्सचेंज करने के लिए 2NaZ यूज करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? CaZ2 ये होगा प्लस 2Na। तो जो सोडियम कैटायन है ये वाटर को हार्ड नहीं बनाता। वाटर को हार्ड कौन बनाता? मैग्नीशियम कैटायन, कैल्शियम कैटायन। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका परम्यूटेट जो है या जियोलाइट जो है तो कंज्यूम हो गया। क्या हो गया? कंज्यूम, और सस्ता मिलता नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम रीजनरेट करते हैं जो लाइट जो हमारा खर्च हुआ उसको क्या कहते हैं? रीजनरेट। इसको नोट कर लिया हूं तो मिटा दूं और फिर उसको लिखता हूं रीजनरेशन ऑफ परम्यूटेट आर जियो लाइट। रीजनरेशन ऑफ परम्यूटेट परम्यूटेट को जियोलाइट बोलते हैं। क्या होगा कि जब सभी सोडियम जियोलाइट जो होता है खर्च रहता है तो परम्यूटेट को क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टेड। ओके, पूरा खर्च हो गया। इट इज रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग इट विथ NaCl सॉल्यूशन। तो जो MgZ2 बना था उसको क्या करते हैं? NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? NaZ बन जाता है, यहां दो ले लेंगे प्लस MgCl2। ऐसे ही CaZ2 बना उसको भी हम NaCl से ट्रीट कर देंगे, क्या बन जाएगा? NaZ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बन जाता है प्लस CaCl2। ये अलग कराते हैं नहीं तो फिर वाटर हार्ड हो जाएगा। इसके प्रेजेंस से क्या होगा? वाटर तुम्हारा हार्ड हो गया, ये अलग प्रोसेस करना है। ठीक है ना, अच्छा इसका क्या एडवांटेज है? जो परम्यूटेट मेथड का क्या एडवांटेज है? तो इससे जो है हम परमानेंट और टेम्पररी दोनों तरह के जो हार्डनेस होते हैं उसको दूर कर सकते हैं। ओके, परम्यूटेट मेथड कैन बी यूज टू रिमूव बोथ काइंड ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी।
तो मिटाया जाए, मिटा दूं? यस सर। इनऑर्गेनिक वाला खत्म होता है, देखो आयन एक्सचेंजर मेथड इनऑर्गेनिक मेथड था ना? यस सर। अरे बेटी तुम लिखे हो गए इनऑर्गेनिक। यस सर। अब दूसरा है ऑर्गेनिक वाला, ये यहां लिखवाया था, अब क्या है बी। सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, ओके। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स में यूज होता है, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ठीक है, सुन लीजिए, ये जो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर होते हैं ये कैल्शियम कैटायन मैग्नीशियम कैटायन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैल्शियम कैटायन और मैग्नीशियम कैटायन को रिमूव कर देते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क विद SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप। कैटायन एक्सचेंज रेजिन SO3H इज ट्रीटेड विद NaCl टू गेट द रेजिन इज प्रेजेंटेड एस RNA। द कैटायन CA एंड Mg आर एक्सचेंज विथ Na एंड अनट्रीटिंग हार्ड वाटर विथ RNA। देखो RNA है तुम्हारा, ये क्या है ऑर्गेनिक एक्सचेंजर है, RNA क्या है ऑर्गेनिक एक्सचेंजर। ठीक है, इसको ट्रीट कराओगे इसके साथ कैल्शियम के साथ, दो ले लोगे, क्या बन जाएगा R2CA प्लस Na आयन बन गया है ना। इस आयन के प्रेजेंस से वाटर हार्ड नहीं रहता है। ये जो है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड नहीं है, जो CA प्लस प्लस अब नहीं रहा। ठीक है, क्या बनेगा आर टू एम जी प्लस टू एन ए। दस कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयन एंड वाटर बिकम्स सॉल्ट। ओके, अच्छा इसमें भी जो आपका रेजिन है ऑर्गेनिक रेजिन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा है। व्हेन ऑल द सोडियम प्रेजेंट इन आरएनए इज यूज्ड अप रेजिन इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, जब सारा एनए जो है आरएनए में से खर्च हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे एग्जॉस्टेड कहेंगे, रेजिन है ना एग्जॉस्ट हो गया। इट इज रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद NaCl सॉल्यूशन, रीजनरेशन आप रीजनरेशन ऑफ रेजिन, कैसा रेजिन ऑर्गेनिक, कैसे रीजनरेट होगा NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे इसको, आगे CA जो है इसको ट्रीट करोगे क्या NaCl से, क्या बन जाएगा RNA बन जाएगा प्लस ये CL2 रिजनरेशन हो रहा है। ऐसे R2Mg है इसको से ट्रीट कराओगे NaCl से, बन जाएगा 2RNA प्लस MgCl2। ठीक, यहां पर रिजनरेशन हो गया। थैंक यू।